हेलो जी, राम राम जी सारे ने स्वागत है आप सबका फिर तो एक और नए ब्लॉग में। और ठीक ठाक हो गए सारे? तो उम्मीद करा हाँ जी सारे जने ठीक ठाक हो गए। तो आज आप लोगों के लिए कुछ शेयर करांगे, तो थोड़ी सी पुरानी याद ताज़ा कराएंगे। आज मैं थोड़ी सी सफाई लग रही थी कर, तो मैंने ये मिली छोटी छोटी एल्बम, इतनी छोटी छोटी तो आजकल कोई रखता भी नहीं होगा। पहला कितने इन खुश होकर रखा करते, इनमें बहुत सारे बचपन के फोटो हैं अमीर जी और के, और एक दो फोटो मारी हैं जब हमारी शादी से पहले भेजी थी हमने, तो मैं आप लोगों ने दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहियो। तो पहला ये है कि छोटे छोटे ये हैं अमीर जी। अरे रुक जा, एक मिनट को साफ। तो जी शुरू कर रहा है, ये हैं अमित जी और ये हैं मेरे जेठ जी, और पीछे हैं जो मैं भी मेरे जेठ जी हैं, मतलब अमित जी की बुआ का लड़का है। कितने छोटे छोटे हैं। और ये हैं मेरी मम्मी जी, देखो जब गांव में रहा करती है कितनी पतली सी हैं। और यह है मेरी दादस, मतलब मेरी मम्मी जी की सास, और ये बच्चे बैठे हैं अभी। देखो मेरी मम्मी भी उस टाइम पर कितनी पतली हुआ करती, और उस टाइम पर सूट भी तो किस डिजाइन के डालिया करते। और ये हैं मेरे पापा, देखो पहले यो पोज तो फेमस हुआ करता, और पहले फोटो लेने का बहुत शौक हुआ करता। ये आजकल तो फोन में ले ले हैं, पहले तो ये फोटो नहीं लेकर आया करते, और उतरवाते फिर इन कैमरा पे मैं रील सी लेके पूरे फोटो बनवा करते, और एल्बम में रखा करते। आजकल तो सारे फोन में ही रखे जाए। ये सारे मेरे पापा के हैं, जिस टाइम पे मेरे पापा बाहर नौकरी करा करते। और ये हैं अमित जी, मतलब ये तो स्कूल की फोटो है, ये तो शायद कोई मतलब इनाम वगैरह मिल रहे हैं ना। और आपने बताइए अमित जी तू सारे पर के लाग हैं कौन नहीं लाग दे छोटे रह जाए। सुथरे तो लगे करते छोटे भी थे जब। और ये है मेरी नानी सास, मतलब मेरी जो ससुर है उनकी माँ है, और ये मेरे मामा किल्लू, ये मेरा मामेसरा, ये मेरी मौसिस, और ये गोदी में ले रही है ये मेरे जेठ जिया ने ले रही है। देखो कितनी पुरानी पुरानी फोटो हैं। और फिर तय की एक बार और मेरी मम्मी की फोटो गोदी में ले रही है मेरे जेठ जी ने। देखो साड़ी कितनी बढ़िया फोटो आ रही है। और ये फोटो है जो मेरी मम्मी की है शादी के बाद की पहली फोटो, जब पहली बार दिल्ली गई थी, जो छोटी छोटी फोटो थी वो तो मैंने दिखा दी थी। अभी ये हैं मेरे जेठ जी, और ये हैं अमित जी। इनकी जब रिश्ता गया था जब पहली बार ये फोटो भेजी थी मारे द्वारा, इसी सी फोटो भेजी थी मारी ये फोटो दे दो कितने किसी लगा में। उस टाइम पर तो मेरे को फोन में खींच के भेजी थी मैं तेरे दोनों बेबे किसी लगा। मैं 4 5 साल तक ज्यादा बदलाव आ गया, उस टाइम पे भी इतना ज्ञान सा कौन था। हमने भी मारा ब्याह लग एक या फोटो भेजी थी ना आपकी शादी खातर, और एक या भेजी थी अम्मी जिया ने आपकी फोटो, इनकी तो बढ़िया फोटो थी, मारी ये भी सी बेकार बेकार से ले रखी थी, सुथरी फोटो को नहीं ली मारी। और ये है मेरी शादी के बाद की पहली फोटो, ये हमारी गली में मंदिर बना था उसकी कलश यात्रा थी, तो शादी के एक महीना बाद था शायद। हाँ उस टाइम पे मेरी यह पहली फोटो ली थी ना, देखो उस टाइम मैं भी कितनी पतली हुआ करती, मैं भी थोड़ी मोटी हो रही हूँ उस टाइम पर तो पतली हुआ करती मैं। और एक ली थी मेरी मम्मी ने कलश उठा था, एक मैंने लिया था कलश। यह है मेरी मम्मी की फोटो कलश यात्रा में, उन्होंने फोटो दिए थे कि इनकी शादी से पहले की फोटो। ये भी उस टाइम पर तो पतले आ करते, ये भी थोड़े मोटे हो रहे हैं। और ये हैं मेरे मम्मी पापा की फोटो,
तो जी बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आप लोगों ने दिखाई थी। देखो कितनी छोटी छोटी एल्बम है, पहले कितना शौक था लोगों ने फोटो रखने का, वो कौन का पुरानी पुरानी फोटो भी हैं। मेरी तो कोई बचपन की फोटो है ही कौन नहीं, एक भी कौन नहीं, मारे घर भी कौन नहीं। तो आजकल तो कोई कौन रखता, आजकल तो फोन ना में रखे जाए फोटो इतने कौन रखेंगे, एल्बम वल्बम तो कोई खरीद लाए कौन नहीं। पहले तो इनकी बहुत वैल्यू रहा करती, बहुत कीमत थी उस टाइम पे इनकी। तो छोटी छोटी छतरी ला गया मना था जमा छोटी छोटी। तो बस मैं दिखाऊँ थी, मतलब आप लोगों ने भी दिखाई थी थोड़ी सी फ़ोटो। तो बस ये आई थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। राम राम।